दोस्तों लखनऊ और राजस्थान के मैच के दौरान अंपायर की एक हरकत से केएल राहुल काफी ज्यादा निराश लगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पावर प्ले के आखिरी ओवर में जब पांचवी गेंद पर चमीरा ने यशस्वी जायसवाल को गेंद फेंकी, तब उस गेंद पर जायसवाल ने 103 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया। छक्का इतना बड़ा था कि गेंद लगभग स्टेडियम के बाहर जा चुकी थी, इसीलिए अंपायर ने नया बॉल मांगने का फैसला किया। जब अंपायर ने नई बॉल चुनकर कप्तान केएल राहुल को दी, तब राहुल काफी ज्यादा निराश लगे। जिस बॉल को अंपायर ने चुना था शायद वो खराब या पुरानी थी, इसीलिए राहुल गुस्से में दिखाई दे रहे थे। केएल राहुल तो वैसे काफी शांत स्वभाव के हैं, लेकिन यहाँ पर केएल राहुल अपनी नाराजगी दिखाते हुए अंपायर के साथ बहस करते हुए नजर आए। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती दिखी, लेकिन अंत में केएल राहुल को अंपायर का फैसला मानना पड़ा। दोस्तों, आपकी राय में आईपीएल के इस सीजन में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या में से कौन एक बेहतर कप्तान है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।